आ गई है ये है मोहब्बतें की ब्रेकिंग न्यूज। नहीं हुई है इशिता की मौत। जी हाँ, अब तक तो शो के बारे में ये न्यूज मिल रही थी कि शो में 22 साल का लीप आने वाला है और पुनर्जन्म की कहानी दिखाई जाएगी, लेकिन जनाब शो के बारे में आई ताज़ा खबर कुछ और ही कह रही है। खबर है कि पुनर्जन्म का कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, बल्कि ये दावा करती कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि इशिता भल्ला की मौत नहीं होगी बल्कि वो जिंदा होंगी और सिर्फ एक इंजेक्शन के हैवी डोज की वजह से उनकी फेक डेथ हो गई है, या यूं कहें कि उनकी बॉडी मेजर शॉक में है। वेल, अगर शो का लास्ट एपिसोड आपने देखा हो तो शो में दिखाया जा चुका है कि रमन, रोमी और बाला उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बोरी में इशिता की बॉडी मिलती है। यहां इशिता की सांसें नहीं चलती, जिसे देखने के बाद पुलिस उन्हें मृत घोषित कर देती है और फिर इशिता की मौत की खबर पूरे परिवार को सदमे में डाल देती है। अब आगे सूत्रों से जानकारी मिली है कि रमन को उसी फैक्ट्री से एक इंजेक्शन मिलेगा, जिसका नाम जानने के बाद रमन को थोड़ा डाउट शुरू हो जाएगा कि इशिता जिंदा है, बस उनकी बॉडी अनकॉन्शियस है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक रमन को इस बात का पता चलेगा, तब तक इशिता के अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ भी बताया जा रहा है कि इशिता कहने की कोशिशें तो खूब करेंगी, लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं देगी। अब सुनने में आया है कि रमन एंड मौके पर पहुंचेंगे और फिर इशिता की आंखों में मूवमेंट देखकर उनका शक पक्का यकीन में बदल जाएगा कि इशिता की मौत नहीं हुई है बल्कि वो जिंदा हैं। अब कैसे रमन इशिता को बचाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इशिता की मौत की खबर पर आई इस गुड न्यूज को सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें।